सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग, रमन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग एक न्यू वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका जिला स्वास्थ्य समिति जामताड़ा की ओर से आपका जारी किया गया है और इसमें टोटल जो पोस्ट है आपका 91 पोस्ट है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पोस्ट के लिए इसमें क्या क्या चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पूरा एडवर्टाइजमेंट क्या है इसका। चलिए, जैसा कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट देख पा रहे होंगे, ये आपका सारा चीज है। चलिए मैं आपको बता दूं आप डिटेल में। देखिए, ये आपका है, देखिए कार्यालय सूचना। तो इसमें देखिए दिया गया है आपका कि पोस्ट के हिसाब से आपका सारा चीज दिया हुआ है। जैसे कि आपका देखिए परिचायिका श्रेणी ए के अंतर्गत, इसमें इसके लिए आपका देखिए होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट एवं 3 वर्ष का जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी का कोर्स किसी सरकारी संस्थान से आपका होना चाहिए इसमें। और इसमें देखिए पोस्ट जो है, टोटल पोस्ट आपका 9 पोस्ट है और इसमें आपका देखिए कैटेगरी वाइज दिया गया है, जिसमें कि आपका जनरल के लिए 6 पोस्ट, एसटी के लिए 2, एससी के लिए 1 और आपका BC1 और BC2 के लिए इसमें आपका पोस्ट नहीं दिया गया है। तो इसमें देखिए, इसमें सरकारी जो मानदेय है इसका 15,000 रुपया आपको इसमें मिलेगा, 15,015। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि परिचायिका का इसी में श्रेणी ए करके दिया हुआ NBSU, जिसमें कि आपका सेम है, जो आपका फर्स्ट पोस्ट है उसमें भी आपका सेम, दूसरा पोस्ट के लिए भी वही चीज होना चाहिए क्वालिफिकेशन। पोस्ट इसमें 2 पोस्ट है, इसमें आपका एक जनरल के लिए है और एक आपका एसटी के लिए, जिसमें कि आपका 15,015 रुपया इसमें मानदेय है। चलिए अब हम लोग तीसरा पोस्ट में देख लेते हैं। तीसरा पोस्ट है आपका ANM, जिसमें कि आपका इंटरमीडिएट एवं किसी सरकारी संस्थान से आपका मान्यता प्राप्त में आपका ANM का कोर्स होना चाहिए। और इसमें क्या, इसका जो सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में आपका है, 74 पोस्ट है, जिसमें कि आपका जो अनरिजर्व है आपका 38 है, उसके बाद एसटी आपका 22 है और एससी आपका 9 पोस्ट है। BC1 और BC2 के लिए इसमें सीट दिया गया है, जिसमें कि आपका 2 और 3 है। चलिए इसका जो आपका जो मानदेय होगा इसमें 10,345 रुपये आपका दिया जाएगा। उसी प्रकार बहुत सारा इसमें पोस्ट निकला हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक आपका काउंसिलर का पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें कि आपका मास्टर और आपका बैचलर डिग्री इन फूड एवं न्यूट्रिशन में है, होम साइंस में है या फिर ऑनर्स किए हुए हैं, इसमें पास है। इसमें आपका क्या होगा कि 1 वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसमें आपका देखिए 2 पोस्ट टेक्निकल निकला है, जिसमें कि आपका अनरिजर्व 1 पोस्ट है और एसटी 1 पोस्ट, इसमें आपका 12,375 रुपया इसमें मानदेय होगा। और एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपका देखिए प्रखंड डाटा प्रबंधक, जिसमें कि आपको मैं बता दूं इसमें आपका ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है और इसमें आपका देखिए एक्सपीरियंस इसमें आपका नहीं दिया गया है। ये आपका जो आप कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन कंप्यूटर, जिसमें कि आपका ये सब दिया गया है, या फिर आप यदि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी हैं तो आप इसको डाल सकते हैं, जिसमें कि आप BSc IT ये सब आपका दिया गया है आपका, जिसमें कि आपका 2 पोस्ट है, जिसमें कि आपका एसटी के लिए 2 पोस्ट ही आपका ये रिजर्व किया गया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका और भी कुछ कुछ पोस्ट है, जिसमें कि आपका नेत्र सहायक है, उसी प्रकार इसमें 1 पोस्ट है आपका, फिर आपका PPM कोऑर्डिनेटर है, जिसमें कि आपका 1 पोस्ट है, ये आपका देखिए दिया गया है। अब मैं इसको बता दूं आपका कि इसमें विज्ञापन के लिए कुछ शर्तें दिया गया है, जिसमें कि आपका एज जो होना चाहिए, आपका न्यूनतम जो है वो 21 साल होना चाहिए, अधिकतम जो है 35। कुछ कुछ पोस्ट के लिए आपका देखिए OBC में आपका 37 बढ़ाया गया है, महिलाओं के लिए 38 दिया गया अधिकतम आयु, और आपका SC ST के लिए 40 साल दिया गया है। तो ये सब आपका है, ये आप इसमें जो क्या है कि इसमें दिया गया कि संविदा के आधार पर कर्मचारियों का कोई नियोजन नहीं होगा, बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने के लिए अनुबंधित किया जाएगा। मतलब कि आपका जितना मानदेय दिया होगा उसी उतना ही आपका मिलेगा। उसके बाद आपका देखिए ये सब चीज दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका देखिए आवेदन जो शुल्क है आपका 400 रुपया का ड्राफ्ट आपको बनाना होगा, जो कि सामान्य कोटि और अन्य पिछड़ा वर्ग के यदि उम्मीदवार हैं तो, और यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट लगेगा। कहाँ किसके नाम से बनवाना है आपको, देखिए सिविल सर्जन सह सचिव जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति जामताड़ा के नाम पे आपका बैंक ड्राफ्ट होगा। तो आपको देखिए कहाँ पे अप्लाई करना होगा फॉर्म, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको जो है recruitment.jharkhand.gov.in का जो पोर्टल है, वहां पे आप 15/5/2018 तक, याद रखिएगा 15/5/2018 तक आपका लास्ट डेट है, वो 5 बजे शाम तक है, वहां तक उस दिन तक आप अप्लाई इसको
कर सकते हैं। चलिए इसका जो फॉर्मेट दिया हुआ है एक बार फॉर्मेट को देख लीजिए, ये है देखिए आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी हिसाब से आपको फॉर्म को भरना है। तो चलिए मैं वो साइट दिखा देता हूँ आपका, रिक्रूटमेंट डॉट आपका झारखंड जीओवी डॉट इन पे हम लोग चलते हैं, उसमें आप देख लीजिए कहाँ से फॉर्म भरना है। जैसा कि मैंने साइट खोल लिया है आपका, देखिए www.recruitment.jharkhandgov.in। तो देखिए ये आपका होम पेज है जिसमें कि आपका आपको इसमें कैसे भरना है। सबसे पहले आप देखिए यहीं पे आपका इंपॉर्टेंट नोटिस में ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से आप लोग एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं बता दूं आपको करंट ओपनिंग कैसे आपको अप्लाई करना है। तो करंट ओपनिंग में आप चले जाइए, उसके बाद देखिए सारे पोस्ट करके आपका दिया हुआ है, इसमें जितने पोस्ट थे सबका आपको अलग अलग, आप यदि दो फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। तो ये देखिए आपका दिया हुआ है, जैसे जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, देखिए ये आपका क्लिक हुआ तो आपका ये पेज खुलेगा। तो देखिए इसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा गया है, तो ये आपका यदि बना हुआ है इसमें, आप यदि यूजर आईडी पासवर्ड है तो आपको कोई जरूरत नहीं है बनाने का, नहीं बना हुआ है तो आपको रजिस्टर यहाँ से करना होगा। आप रजिस्टर करके यहाँ से आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं, इसमें सारा डॉक्यूमेंट ये दे करके जो जो आपको जरूरत है। तो चलिए आप लोग इसको भर लीजिए जो इच्छुक हैं भरने के लिए। और भी कुछ यदि ऐसा रिक्वायरमेंट आता है या फिर कोई भी नोटिस आता है इस संबंधित, तो हम आप लोगों के सामने जरूर शेयर करेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।